अगर हमारे देश भारत को देखना और समझना है तो भारत के गांवों और खेतों, वहां की जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक से जानना बेहद जरूरी है। ये है उड़ीसा प्रांत के बौद्ध जनपद के हराभंगा ब्लॉक का भेजीमल गांव। भेजीमल गांव की दशा कुछ वक्त पहले तक काफी खराब थी। ऐसे में गांव के एक जागरूक किसान मनोज कुमार प्रधान ने गांव वालों को विकास और खुशहाली की एक नई राह दिखाई। मनोज कुमार प्रधान ने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया, बावजूद इसके उन्होंने खेती करने का फैसला किया। इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि वे इतना पढ़ने लिखने के बावजूद एक किसान हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गांव में लोगों और पिताजी और सब लोग चाहते थे मैं नौकरी कर लूं। खुद का खेती बाड़ी है तो हम दूसरों का नौकरी क्यों करें। मनोज कुमार प्रधान ने खेती में अपने शिक्षित होने का भरपूर फायदा उठाया। वे जानते थे कि शिक्षित किसान बेहतर पैदावार ले सकता है, खेतों की अच्छी देखभाल कर सकता है। उन्होंने सर्टिफाइड सीड्स से धान की खेती शुरू की और यहीं से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70 फीसदी तक बढ़ गई। एक समझदार किसान की तरह मनोज कुमार ने तकनीक से रिश्ता जोड़ा और अपने विश्वास के पंखों को एक नया आकाश दिया। मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक विकसित करने में कामयाब रहे। इसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने अपने ही खेतों में किया। इस तरह मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल की गई तरबूज की नई तकनीक से बहुत लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था अब उसका आकार भी बड़ा हो गया। ये यकीनन मनोज कुमार के लिए खुशी की बात थी। अपने आसपास के किसानों को सर्टिफाइड सीड्स से खेती करने के लिए उन्होंने समझाया। कितने ही किसान उनकी प्रेरणा से नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं और उनकी आर्थिक जिंदगी में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। मनोज कुमार प्रधान दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक महान नायक बन चुके हैं। उनके परिवार को भी उन पर गर्व है। परिवार के सदस्य उन्हें किसी डॉक्टर या इंजीनियर से कुछ कम नहीं समझते। आने वाला समय मनोज कुमार प्रधान और उन जैसे सभी किसानों का है। आज मनोज कुमार प्रधान बौद्ध जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव हैं। किसान भैया से मेरा निवेदन है, ट्रेडिशनल तरीके का खेती छोड़कर नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नया टेक्नोलॉजी करें, ज्यादा फसल होगा तो ज्यादा फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा।